मनुष्य यदि अपनी इच्छाओं को हटाकर देखे तो खुशियों का संसार नजर आएगा। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई नहीं देता, लेकिन धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। जरा उड़ के तो देखो, सब आएंगे गिराने। मुसीबत आए तो यह मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना अब कौन साथ छोड़ जाएगा। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाते हैं और शेर कहो तो खुश हो जाते हैं। भूख की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपने आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें। और किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर इतना काबू रखो ताकि उसके घर की राज और इज्जत दोनों सलामत बने रहे। कुछ बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के चरणों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के चरणों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं। जो भाई के चरणों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के चरणों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के चरणों को छूता है तो उसके जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। बदनामी से मत डरो, क्योंकि बदनामी का धुआं भी वही उठता है जहां तुम्हारे नाम से आग जल जाती है। इतना काबिल बनो कि कोई आपको ये ना बोले कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो वो अपने ही वजन से डूब जाता है। दो बातें गांठ बांध कर रख लीजिए, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं है, माफ करने से बेहतर कोई सजा नहीं है। जिंदगी है दोस्तों, खुलकर जियो, क्योंकि ये जिंदगी फिर न मिले दोबारा।